हेलो एवरीवन, आज का पाठ है नमक का दरोगा। नमक का दरोगा में इसका नायक है वंशीधर। वंशीधर जो है उस पर यह कहानी लिखी गई है। वह बहुत ही सत्यवादी है, यानी सत्यनिष्ठ है। सत्यनिष्ठ होने के साथ साथ वह चरित्रवान व्यक्ति भी है। वंशीधर को उसके माता पिता बेईमानी की सलाह देते हैं और उसके चारों तरफ जितने भी लोग हैं वो पूरी तरह भ्रष्ट हैं, लेकिन कीचड़ में कमल के समान वह उस भ्रष्टता से दूर रहता है और अंधेरे में जले हुए दीपक की तरह वह हमेशा समाज की बुराई से दूर रह करके प्रकाश फैलाने की कोशिश करता है। वंशीधर के चरित्र की दृढ़ता काफ़ी प्रभावित करने वाली है। वह मुकदमा हारने पर भी छाती ठानकर चलता है और मिट्टी में मिला दिए जाने पर भी वह पछतावा नहीं करता है। आलोपी दीन जो है उसकी इसी दृढ़ता पर मुग्ध हो जाते हैं। आलोपी दीन जो है सबसे पहले उसका भ्रष्ट व्यक्तित्व सामने आता है इस कहानी में। वह गंदे तालाब में रहने वाली मछली की तरह से हैं। वह अदालत रूपी जंगल का शेर है और हमेशा कर्मचारियों और अधिकारियों को लोभ लालच दे करके उनसे चोरी का धंधा करता है। पैसे को वह नदी की तरह बहाता है और इसके भ्रष्ट रूप की प्रशंसा करने लायक वह नहीं है। कहानी में वृद्ध मुंशी जो है वो समाज के भ्रष्टता का चरित्र देता है। आजकल बड़े बूढ़े माता पिता सभी भ्रष्टाचार करने में लिप्त हैं और उन्हें इस बात में जरा भी शर्म नहीं आती है। इसी प्रकार से वंशीधर को सभी क्या कहते हैं कि आप भ्रष्टाचार करो, यानी अब आप सरकारी नौकरी में हो तो आपको भ्रष्टाचार करने की छूट मिल गई है। कहानी में वकील जो हैं इनका एक ही लक्ष्य रह गया है कि किसी भी प्रकार से कानूनी या गैर कानूनी काम की परवाह किए बिना अधिक से अधिक धन कैसे लूट लिया जाए। जब नमक पर पाबंदी लगी तो नमक के दरोगा का पद जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया और ये चाहने लगे सभी लोग कि अपने अपने कार्य छोड़ करके विभाग के दरोगा बन जाएं। सभी व्यक्ति ये चाहते थे कि इस में दोहरी कमाई अधिक मिलेगी, यानी इस विभाग में ऊपर की कमाई अधिक मिलेगी। शहरी हो या सरकारी हो, गैर सरकारी वकील हो, वे जीत न्याय की जीत नहीं चाहते बल्कि वे न्याय का गला दबा करके खुश होते हैं। शहरवासी किसी के दुख में तमाशे जैसा मजा लेने लग जाते हैं और उन्हें नए नए रावण देखने में मज़ा आता है। हालांकि वे स्वयं भी भ्रष्ट आचरण में लिप्त होते हैं, यानी खुद भी भ्रष्ट होते हैं और अन्य लोगों को भी इस प्रकार के कार्य करते हुए देख करके उन्हें अच्छा लगता है। कहानी में नमक का दरोगा जो कहानी है इसमें जब नमक पर पाबंदी लगी थी उस वक्त की कहानी है। मैं आपको थोड़ा सा इसका सारांश बता देती हूँ। मेरे पहले वाले वीडियो में मैंने इसका सारांश आपको पूरा बताया हुआ है। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी थी, जैसा कि पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। और मानवीय मूल्य, यानी कि मानवता, जहाँ पर मानवता अपना पैर पसारती है, आशावाद अपना पैर पसारता है, उस पर यह कहानी लिखी गई है। नमक बनाने पर सरकार के द्वारा रोक लगा दी गई थी। तब एक नया विभाग बनाया गया था जिसका नाम था नमक विभाग। और हर व्यक्ति, बड़े से बड़ा वकील हो या किसी भी पद पर हो, वह यह चाहता था कि इस विभाग में वह दरोगा पद पर आसीन हो जाए, क्योंकि इसमें ऊपर की आमदनी अधिक थी, यानी घूस की कमाई यहाँ पर अधिक मिलने के चांस थे। जाड़े की एक रात में मुंशी वंशीधर को यहाँ पर इस विभाग में आए हुए 6 महीने से अधिक नहीं हुए थे। तब वह इतना कार्यकुशल था कि उसने अपने आचार व्यवहार से सभी अफसरों का मन मोह लिया था। एक दिन उसने बहुत सी गाड़ियों की आवाज़ सुनी। बाहर आकर देखा तो
थोड़ी देर सन्नाटा छाया रहा और उसने पूछा कि ये गाड़ियाँ कैसी हैं। तब उसे बताया गया कि इन गाड़ियों में नमक लेकर के जाया जा रहा है और उन्होंने वे गाड़ियाँ रोक दी। लेकिन पंडित जो है यहाँ पर आलोपी दिन नाम है उनका, वो अपने पैसे की शक्ति को बहुत अधिक समझते हैं, उनके पास बहुत अधिक धन है, इसलिए वे सोचते हैं कि धन के आगे सभी खिलौने हैं, यानी अपने धन से वो किसी भी व्यक्ति को खरीद सकते हैं और धन दे करके जिससे भी जो चाहे वो काम करवा सकते हैं। हम इन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर ईमान बेचते फिरते हैं। इस बात पर नमक का दरोगा यानी कौन बोला? बंसीधर बोला कि हम वह नहीं हैं जो कौड़ियों के भाव बिक जाते हैं, आप इस समय हिरासत में हैं। यानी यह कह करके पंडित आलोपी दीन को हिरासत में ले लेता है और आलोपी दीन इस बात पर भौंचक्का रह जाता है, वह गिड़गिड़ाता है, लेकिन बंसीधर पर इसका कोई असर नहीं होता है। वह रिश्वत भी देता है लेकिन आलोपी दीन रिश्वत नहीं लेता है। अगले दिन जब यह बात सभी को पता चलती है कि आलोपी दीन को गिरफ्तार कर लिया जा गया है और बेईमान और भ्रष्टाचार अफसरों ने भी उन पर काफ़ी टीका टिप्पणी की, अदालत में गए तो सारा शहर उन्हें देखने आ पहुंचा। सभी कर्मचारी उनसे रिश्वत ले चुके थे यानी उनके गुलाम थे और वे सभी एक एक बार उनके हाथों बिके हुए थे, इसलिए वहाँ पर काफ़ी हलचल और भागादौड़ी शुरू हो गई। पक्षपात की ओर झुका हुआ न्यायालय सेठ जी के चरणों में झुक गया यानी उसके पक्ष में चला गया। बंसीधर की नमक हलाली ने उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है, अतः उन्हें सावधान रहना चाहिए, यह कहा गया। आलोपी दीन मुस्कुराते हुए अदालत से बाहर आ जाते हैं क्योंकि उनके पक्ष में फैसला गया था और बंसीधर को समाज जी भर के अपमानित करता है और इस अपमान पर बंसीधर को बहुत ही खेद होता है, दुख होता है कि कोई भी सच बात को मानना नहीं चाहता है। बंसीधर सच्चा था, उसने गाड़ियां पकड़ ली थी, जबकि आलोपी दीन झूठा था, उसने फिर भी मुकदमा जीत लिया। सप्ताह बाद बंसीधर को नौकरी पर फिर से बुला लिया गया। घर वालों ने यह समाचार सुना तो माथा पीट लिया, पिता भी बहुत गुस्से में हुए, माँ और पत्नी ने भी नाराजगी व्यक्त की। एक सप्ताह बाद सेठ आलोपी दीन बंसीधर के घर आते हैं और बंसीधर के पिता अपनी बदकिस्मती और बेटे की मूर्खता का रोना उनके आगे रोने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आलोपी दीन उन्हें भौंचक्का कर देता है। क्या कहता है कि आपका बेटा तो कुल तिलक है, यानी आपका बेटा बहुत अच्छा है, धर्मपरायण है, आज मैं उसे अपनी नौकरी देता हूँ। इस प्रकार से वह वंशीधर के आगे नौकरी का प्रस्ताव रखते हैं और कहते हैं कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट लेकर के आया हूँ। उनकी रिक्वेस्ट देख करके बंसीधर पिघल जाते हैं और सेठ जी बंसीधर के सामने यह प्रस्ताव रखते हैं कि उनकी सारी संपत्ति का स्थायी मैनेजर बंसीधर को बना दिया जाए और उसे 6,000 वार्षिक वेतन देते हैं और इसके अतिरिक्त रोजाना का खर्चा, सवारी के घोड़े, बंगला, नौकर चाकर भी वहाँ दे देते हैं। यह प्रस्ताव सुनकर के बंसीधर भी उनके आगे हाथ जोड़ देता है और कहता है कि उसमें ना बुद्धि है, ना विद्या है, ना अनुभव है जो इन सब कमियों को पूरा कर सके और ऐसे महान कार्य के लिए उसे एक मर्मज्ञ व्यक्ति चाहिए। इस तरह से वह कहता है कि उसमें ये गुण नहीं है तो इसलिए वह ये नौकरी स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन आलोपी दीन फिर उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे कोई ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे तो तुम्हारा जैसी व्यक्ति चाहिए। इस प्रकार से दोनों मिलकर